सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RVS एनिमे हिंदी। भाई कितना कमेंट करोगे यार, वन पीस मांगा चैप्टर 1035 का रिव्यू लाओ, स्पॉइलर रिव्यू लाओ, ये सब चीजें। क्योंकि तुम्हें मैं जानकारी के लिए बता दूं, इस हफ्ते ब्रेक है, नेक्स्ट वीक आ रहा है न्यू चैप्टर। 19 दिसंबर को ऑफिशियली रिलीज होगा और उससे 2 दिन पहले रिलीज होगा अनऑफिशियली। क्या तुमने ये वाला वीडियो देखा? तो जैसा कि तुम सभी को पता होगा कि वन पीस फिल्म रेड अगले साल आ रही है और इंडिया में सभी वन पीस फैंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, रूफी लवर, RBS और जितने भी वन पीस यूट्यूबर हैं, उन सभी की तरफ से मैंने मिलकर ये पिटीशन लॉन्च किया है। और मैं चाहूंगा कि तुम अगर इस मूवी को बिग स्क्रीन पर देखना चाहते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे तुम्हें एक लिंक जरूर मिलेगा पिटीशन का, उस पर जाओ, साइन करो, कमेंट करो, शो योर लव फॉर वन पीस, ताकि हम PVR वालों को प्रूव कर सकें कि इंडिया में वन पीस फैंस की कमी नहीं है और अगर वो लोग इस मूवी को रिलीज करते हैं तो उन्हें लॉस बिल्कुल नहीं होगा। थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे पिछले वीडियो पे उतने व्यूज नहीं आए जितने मेरे अमूमन आते। मेरे ज्यादातर व्यूज यार 2 के पार हो जाते हैं, पर पिछले वीडियो पे आए 1500 व्यूज। बट खैर कोई बात नहीं, मेरे इस वाले वीडियोस पे मैं आशा करता हूँ कि ज्यादा ज्यादा व्यूज आए। और तुम लोग यार जिसने भी पिटीशन साइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाओ जाके पिटीशन साइन कर लो, क्योंकि हमें वन पीस मूवी रेड को इंडिया में लाना है। चलो जो मेन इंपॉर्टेंट बातें करनी थी कर ली, अब सीधे फालतू बातें पे आता है, मांगा चैप्टर के 1035 का प्रेडिक्शन करते हैं। क्योंकि यार इस हफ्ते अभी तक स्पॉइलर आया नहीं है, वो मंगलवार को आएगा और चैप्टर तो नेक्स्ट वीक आएगा, तो हम लोग प्रेडिक्शन लगाएंगे, अंधेरे में तीर चलाएंगे। जैसा कि तुम्हें याद होगा पिछले चैप्टर में क्या चल रहा था, भाई सांजी वर्सेस क्वीन का फाइट बहुत ही तगड़े अंदाज से दिखाया जा रहा था और मुझे जहां तक लगता है इस चैप्टर में वो वाला फाइट को ओडा अच्छे से कवर नहीं करेगा। थोड़ा बहुत दिखा सकता है पर पूरा फाइट नहीं दिखाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार ओडा का आदत है गर्म करके ठंडा कर देना। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये चैप्टर पे कहीं और का स्टोरी दिखा सकते हैं, जैसे कि जोरो वर्सेस किंग का क्या चल रहा है या फिर काइडो वर्सेस लूफी का क्या चल रहा है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार काइडो और लूफी का फाइट को देखने के। पर फिलहाल के लिए अगर ओडा जोरो वर्सेस किंग का फाइट दिखाता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, मैं कोई हैरान नहीं रहूंगा, मैं उल्टा खुशी रहूंगा, क्योंकि स्ट्रॉ हैट में मेरा फेवरेट कैरेक्टर जोरो है। खैर नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा, मुझे जहां तक लगता है इसमें ओडा हमें यामाटो को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि तुमको याद होगा कि यामाटो बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए जा रही है और वहां पर हमें साफ साफ पता चल जाए कि आखिर यामाटो उस नंबर्स के जो मेंबर है उसको किस तरह से जानती है, आखिर वो दोनों दोस्त कैसे हैं, वो चीज मैं जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हो सकता है यहाँ पे हमें CP0 का कोई नया जलवा देखने को मिल जाए, वैसे मुझे ज्यादा कुछ उम्मीद है नहीं पर मैं देखना जरूर चाहता हूँ, क्योंकि यार एक्सट्रैक्ट और एपू ये दोनों फाइट करे CP0 के खिलाफ, बट उनका लीडर किससे फाइट करेगा ये मैं देखना चाहता हूँ। प्लस मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, अभी ज्यादातर फाइट जो है ओवर हो चुके हैं, बस कुछ ही इंपॉर्टेंट फाइट जो है बची हुई है। हो सकता है इसमें हमें मोमोनोस्के का कुछ देखने को मिल जाए और हो सकता है कि हमें काइडो का भी पास्ट देखने को मिल जाए, हो सकता है हमें किंग का भी पास्ट देखने को मिल जाए, आखिर लूनारियन किस तरह से यार रेड लाइन से गायब हुए थे, ये चीज भी मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर जो भी हो, आई नो ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा छोटा बन रहा है, क्योंकि यार तुम समझो थोड़ा, मैं आने वाले मेरे बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और अभी ज्यादातर फाइट्स ओवर हो चुके हैं, तो मेन चीजों को मैं लंबा नहीं खींचना चाहता। मेन फाइट चल रही है वो जब चैप्टर आएगा हमें देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि हमें रेवरी के बारे में भी ओडा दिखा सकते हैं, क्योंकि ओडा का आदत है यहाँ स्टोरी चल रही है कहीं और की स्टोरी अचानक से दिखा देना, और अगर यहाँ पे रेवरी के बारे में दिखा देते हैं तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगा। ये कुछ चीजें पॉइंट्स है जो हो सकता है कि हमें यहाँ पर देखने को मिले नेक्स्ट चैप्टर में। अगर इनमें से कोई पॉइंट नहीं भी आता है तो भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मैंने जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स कवर किए जो मुझे लगते हैं ओडा इनमें से एक ना एक चीज को जरूर दिखाएगा, और अगर इनमें से कुछ अलग दिखा दिया ना भाई सही में ओडा गॉड है। आई होप तुम्हें मेरा चैप्टर का प्रेडिक्शन अच्छा लगा होगा। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार मोटिवेशन के लिए लाइक मारना मत भूलना, और हाँ जिस किसी ने भी पिटीशन में साइन नहीं मारा जल्दी फटाफट जाओ और साइन मारो, क्योंकि तुम जानते हो मैं इस मूवी को थिएटर में देखना चाहता हूँ और हर बंदा जो वन पीस फैन है वो भी इस मूवी को थिएटर में देखना चाहता होगा। खैर मेरा भाई आज यहीं तक था वीडियो, अगर तुम इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी ऑन कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।